दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बाकी खैरियत से होंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, उधर पहाड़ी के ऊपर ऊपर बकरियाँ चढ़ के चल रही हैं, और इतना तगड़ा धूप, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है कि क्या बताया जाए दोस्तों। और कुछ बकरियाँ इधर भी बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं पेड़ के छांव के नीचे, और कुछ जो वैसी बकरियां हैं हरामी टाइप, वो पहाड़िया पे घूम रही हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और क्या किया जाए भाई, अपने भी छांव में बैठे हुए हैं, थोड़ा पेड़ ओढ़ के छांव में, कहाँ से कि भैया इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है सऊदी अरब में कि हालत है ख़राब। धूप तो बहुत तगड़ा है, आज का धूप इतना तगड़ा है कि 10 बजे इतना ज़्यादा गर्मी था कि क्या बताएं। अभी तो मान के चलें कि भैया शाम का 4 बज रहा है, और 4 बजे इतना तगड़ा धूप है कि हालत ख़राब है। बकरियां का तो हालत ख़राब है, इंसान का तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाता है भैया सऊदी अरब मजरा में आने वाले और काम करने वाले लोग का। हाँ, बाकी तो भैया इतना आसान पैसा नहीं है सऊदी अरब का जो कि मिल जाए, बहुत तकलीफ मुशक्क़त उठाना पड़ता है तब जाके सऊदी अरब का पैसा आता है भैया, वरना सो के शायद कोई पाता हो नहीं तो काम इतना ज़्यादा रहता है ना, पैसा से ज़्यादा काम बता देते हैं। और ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहें दोस्तों, और हम भी समझ लें कि इंडिया UPA से हैं हम भी। हाँ, और क्या हम बताएं, बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं, सब चारों तरफ जंगल, कहीं कुछ आप लोग को दिखाई नहीं देगा, एक चिड़िया इतने टाइम नहीं दिखाई देगी जो कि शाम का टाइम है। अभी दोपहर का टाइम रहता तो क्या हाल होता, और जंगल में तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये घर तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, चिड़िया कहाँ से दिखाई दे, या चिड़िया जब नहीं दिखाई देगा जहाँ वहाँ घर कहाँ दिखाई दे, सब वही पहाड़ी है, आप बालू पत्थर यही सब रहता है भैया। आप लोग को बैक कैमरा से दिखाते हैं, और दिखाते भी हैं और बताते भी हैं, ऐसे इतना समझ ले भैया ना कि सऊदी अरब में बकरी चरावे वालन का हाल बहुत बुरा हाल होता है। हाँ, बाकी कोई उसको हंस के काट लेता है, कोई रो के काट लेता है, दो साल नहीं तो हाल बेहाल हो रहता ही है सभी बकरियां चरावे वालन का, ऐसा नहीं तो समझ लें दोस्तों। बाकी चलते रहता है ढकेल के, बकरी चराने कौन आता है, वही आता है जो मजबूरी में रहता है, या तो फिर कोई काम न सीखा रहता है वही बकरिया के बीजा पे आता है, नहीं तो और कोई कौन आना चाहता है। बाकी आ जाइए दोस्तों, आप लोग को बैक कैमरा से नज़ारा कराते हैं इधर का जंगल का, आज जंगल में है, जंगल का दिखा रहे हैं वीडियो दोस्तों, देख सकते हैं। हालांकि उधर तो धूप है, जिधर बकरियां हैं साफ न आए, लेकिन दिखा रहे हैं फिर भी, ये देख सकते हैं ये सब बकरियां, अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है धीरे धीरे तो बकरियां चर रही हैं, बाकी कुछ बकरियां ऐसी भी हैं कि बैठी हैं, भैया क्या किया जाए। ये देख सकते हैं इधर धूप से नहीं आ रहा होगा साफ, और इधर रहती तो इधर साफ आता, इधर का एकदम नज़ारा साफ दिखाई देता। बाकी आप देख सकते हैं उधर आगे सामने जो दिखाई दे रहा है वो भी पहाड़ी है, थोड़ा दूरी पे है बस इतना ही है, और ये पहाड़ी है जो ये करीब में है, तो ऐसे ही हर पहाड़ी के अंदर और बाहर घूमना पड़ता है बकरी लेके, और चलना पड़ता है। यूँ समझे कि भाई यहाँ पे थोड़ा बड़ा पहाड़ी तो है नहीं, छोटा ही छोटा पहाड़ी है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ऊँचा नहीं है, बड़ा लंबाई तो है ही है लेकिन ऊँची पहाड़ी नहीं है। और इधर देख सकते हैं इधर बकरी चल रही है, बाकी हवा ज़्यादा चल रहा है भैया का बताया जाए, हवा यहाँ हवा जो है साल का बरह मास हवा चलते ही रहता है, इसके लिए आवाज़ से ज़्यादा हमारे आवाज़ से ज़्यादा हवा का आवाज़ जा रहा होगा मोबाइल में। बाकी तो आप लोग देख रहे हैं जो है सो है भैया, तो ये सपोर्ट करते रहे और ऐसे प्यार सपोर्ट दुलार करते रहे देते रहे, जंगल में रहने वाले लोग का तो हाल जानते ही है भैया, चाहे साँझ वही बिहान का बताया जाए, बहरहाल हम लोग का भैया मजरा है, हमारा तो मजरा में शाम तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पे सूरज डूबते डूबते
पहुंच जाते हैं। उधर पहुंचने के बाद थोड़ा बच्चे लोग उधर रहते हैं, जो वो लोग को अपना दूध उध बकरियों का पिलाना पड़ता है, तो पिलाया जाता है। उधर भी एक आदमी है इतने टाइम, और हमारी कपिल की औरत जो है वो साथ में मिलकर दूध पिला देती है, और दूध जो बाकी रह जाता है निकालती भी है। तो यही सब हम लोग का काम है भैया। बाकी आप लोग से क्या बताएं, आप लोग देख ही रहे हैं चारों तरफ कहीं घर द्वार कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा लेना दोस्तों, और ऐसे ऐसे जंगल देखते रहना। और भी बड़ी बड़ी जंगलें हैं यहाँ पे जो दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, दुआ में याद रखना।